नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। आमजन की महामारी के प्रति लापरवाही का नतीजा, एक दिन में 41 नए संक्रमित मामले आए सामने। लोग नहीं लगा रहे मास्क और ना ही कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन, इसलिए लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या। जिले में एक्टिव केस की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचे 159 पर। घूमने फिरने निकले थे चार दोस्त, दो लौटे घर, दो के शाम करीब 4 बजे ड्रेन के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिले शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाएगी आगामी कार्रवाई, पुलिस हर पहलू पर कर रही गहनता से जांच। रोहतक पानीपत बाईपास पर नहर किनारे 4 बदमाशों ने पेट्रोल लेने के बहाने एक व्यक्ति से तेजधार हथियार के बल पर लूटे 1,22,000 रुपए, मोबाइल फोन व बाइक। बदमाश जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद को लेकर उपायुक्त ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मार्केट कमेटी के सचिव को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। असन रोड पर सड़क हादसे में घायल हुई गांव उग्राखेड़ी के सरपंच की पत्नी की उपचार के दौरान हुई मौत। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किसी भी शहरवासी को नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने की नहीं है जरूरत, क्योंकि नए सर्वे में सबकी आईडी का डाटा पहले से अपलोड। अब तक के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।